बिल्कुल, लास्ट टाइम जब टोक्यो में मैंने खेला था तो सेकंड मेडल था मेरा पूरी टीम में। तो मेडल जीतते ही मैं अगले दिन मेडल रिसीव किया पोडियम में, और उसके अगले दिन वापस इंडिया में आया। तो उस टाइम मतलब अकेला आया था मैं, तो ज़बरदस्त जो मतलब वेलकम हुआ था, रिसेप्शन मिली थी, वो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा एयरपोर्ट पे या फिर उसके बाद। और अभी भी ऐसा हुआ है, अभी तो मैं टीम के साथ आया हूँ पूरा, मतलब वहाँ रुक के, क्योंकि लास्ट टाइम मेडल जीतने के बाद तुरंत कोविड था, उस टाइम निकलना पड़ा। तो इस बार ऐसा नहीं था, इस बार मेडल जीता टाइम से, उधर विलेज एक्सप्लोर किया, बाद में पेरिस में घूमे, आईफिल टावर गए, और टीम के साथ लास्ट में वापस इंडिया लौटे। तो बहुत अच्छा लगा जिस टाइम एयरपोर्ट पर पहुंचे, मीडिया ने कवरेज दी और लोगों से प्यार मिला। गांव में गए, गांव में मैथपुर बॉर्डर से लोगों से प्यार मिलना शुरू हुआ घर तक। तो वो मतलब वो फील होता है कि हमने कुछ किया है, कि हमने 3 4 साल लगातार इस इवेंट के लिए मेहनत किया, और 4 साल के बाद फिर हमें लोग याद कर रहे हैं कि खिलाड़ी है हमारा, खिलाड़ी है हमारा भाई है, कि हमारे इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा नाम रोशन कर रहा है। तो लोग आते हैं, मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब ओलंपिक की बात आती है तो ओलंपिक का नाम सुनते ही मतलब एक तो रोंगटे मतलब खड़े होते हैं। तो उस लेवल की तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो ओलंपिक बोलना बहुत आसान है, ओलंपिक या पैरालंपिक, ओलंपिक पैरालंपिक ऐसा दुनिया बोलती है, दुनिया तैयारी करती है उसकी। उसके लिए मेंटली कितने प्रिपेयर, आप किस लेवल की आपकी तैयारी है, क्या आपका शेड्यूल है दिन का, क्या आपका डिसिप्लिन रहता है, क्या आप खाते हो, कितना उठते बैठ कहाँ उठते बैठते हो, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, इंक्लूड होती हैं आपके डिसिप्लिन में। और जब आप मतलब एक उसके ट्रायल के लिए भी पुश करते हो, तो वो उसके लिए भी हमें एक बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है कि हम ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स का ट्रायल दे रहे हैं, इसके लिए हम टीम का हिस्सा बनना है और मेडल जीतना है। तो उस लेवल की तैयारी बहुत ज़रूरी है। और जब हम उतरते हैं मैदान में, टीम का हिस्सा बन जाते हैं, देश को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो मेंटली ट्रेनिंग रहती है, क्योंकि उस टाइम हम कुछ तो कर ही नहीं सकते। फिजिकल तो हमने कर रखी है कंटिन्यू 4 साल, अगले 4 साल हम एल ओलंपिक की तैयारी करेंगे। तो उस टाइम मेंटल स्ट्रेंथ काम करती है, कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, आपका पीछे कोच कैसा आपको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जब कंपटीशन चल रहा होता है, ड्यूरिंग कंपटीशन, तो दो दीपक जल रहे होते हैं एक साथ कोच का है, एक साथ एथलीट का है। तो जब एथलीट का दीपक बुझने वाला होता है, तो कोच उस साइड को झुकता है कि यहाँ ये कमी चल रही है, इस चीज़ में हमें इम्प्रूव करना है, थोड़ी स्पीड इंक्रीज करो, या फिर टेक्निक में क्या है। तो कोच झुकता उस साइड, एथलीट वाली साइड, कोच का दीपक अपनी एनर्जी शिफ्ट करता है एथलीट में, तो वो एनर्जी डबल हो जाती है, वो मेंटल स्ट्रेंथ भी वहाँ पे डबल हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड। आपने पिछले 4 साल में कितनी मेहनत की है, आप कितने फोकस्ड हो इस कॉम्पिटिशन को लेकर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो मतलब एक मेडल में कन्वर्ट करती हैं एक एथलीट को। सही कहते हैं, नींद नहीं आती, और मेरे साथ ऐसा कभी मतलब बहुत कम हुआ है कि नींद नहीं आना। जैसे स्मिथ भाई से हम टोक्यो के टाइम, सॉरी पेरिस के टाइम, हम भाई का अगले दिन इवेंट था, और भाई 12 बजे रात को बाहर बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत देख रहा हूँ टाइम, यार 12 बजे हुए, भाई बाहर बैठे हुए हैं ना कोच के साथ, और चिल कर रहे हैं एकदम। मैं बोल रहा हूँ, भाई मतलब कुछ याद है आपको या क्या सीन चल रहा है? कहते क्या हो गया, मैं कल इवेंट आपका। कहता हाँ। मैं क्या आपको मतलब टाइम 12 बज रहे हैं, सोना कब है? कहते भाई मेरे को नींद नहीं आती, हर कंपटीशन में ऐसा रहता है उनका। तो मैं कहा यार ये तो मतलब सुना तो है मैंने, अभी आज देखने को मिल रहा, कल इवेंट है भाई का 12 बजे तक, मतलब कौन जागता है यार। तो मैं उस चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं हमें मुझे पता है उस चीज़ के लिए कैसे क्या नहीं। मैं सो जाता हूँ टाइम से, ये हो सकता है कि 10 या 15 मिनट नींद लेट आए, बट जो मेरा प्रोसेस है मैं उसको फॉलो करता हूँ जी। प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें शेड्यूल के हिसाब से लाइन पर चलती है, टाइमिंग पर चलती हैं। तो जब कंपटीशन ट्रेनिंग रहती है, तो ट्रेनिंग में भी यही प्रोसेस रहता है कि अगले दिन हम अगले दिन की ट्रेनिंग पिछले दिन विजुलाइजेशन करते हैं सारी, अगले दिन क्या रहने वाला है, किस चीज़ को हमने किस तरह से परफॉर्म करना है, किस टेक्निक पर
वो करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठे ग्राउंड में गए किया भागे दौड़े वार्म अप किया करके आ गए, ऐसा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड ऑन फील्ड पिछले दिन वो चीज़ें मैटर करती कि आप अगले दिन के लिए कितना प्रिपेयर हो, आप क्या सोच रहे हो अपने माइंड में, आप बॉडी को क्या एनालाइज करवा रहे हो, तो वो बॉडी उस हिसाब से अगले दिन रिएक्ट करती है। कभी कभी होता है कि हम नहीं अच्छा कर पाते ट्रेनिंग में, मतलब दुख भी होता कि नहीं यार मैंने पिछले दिन इतनी अच्छी चीज़ फील की थी और आज मैं उस चीज़ को नहीं डिलीवर कर पाया, तो हमें मोटिवेट भी करती है कि नहीं ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है, इसके इसको हमें इम्प्रूव करना है, इसी को इम्प्रूव करना है, इसको बिल्ड करना है, इसको हमने कॉम्पिटिशन में ऐसा तैयार करना कि दुनिया के सामने कैसा रखना हमें। तो ऑन कॉम्पिटिशन जब हम ग्राउंड में उतरते हैं तो हमें पता पिछले पीछे पूरा स्टेडियम भरा हुआ 80,000 या 1 लाख लोग बैठे हुए हैं, तो उस चीज़ को जो पोडियम का ऑडियंस का शोर है उस चीज़ को कैसे हमने हैंडल करना है, क्योंकि वो मैं हर रोज़ मेडिटेशन करता हूँ, उस चीज़ को फील करता हूँ जब हम बैठते हैं एकदम आंखें बंद करके विजुलाइजेशन करते हैं, अब एकदम एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो फिर उस कंपटीशन को फील करते हैं कि हम मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं उस चीज़ को फील कर रहा हूँ, मैंने इस इतनी इतने टाइम में इतनी स्पीड से इस रिदम से इस मूवमेंट से भागना है जंप करना है, तो पीछे से ऑडियंस का शोर आ रहा है, उस चीज़ को कैसे कैप्चर करना है, उस चीज़ को कैसे लेना है, किस तरीके से रखना उसको। तो बस बहुत सारी चीज़ें मैं मेंटल ट्रेनिंग में अपनी जब मैं विजुलाइजेशन का तो उस चीज़ में फील करता हूँ। तो पेरिस में मैं बिल्कुल ऐसे ही था, जब मैं 204 के ऊपर जब मैंने स्टार्ट किया एकदम चिल कूल डाउन आराम से, क्यों मुझे पता था ये होएगा जंप होएगा, बट 208 के ऊपर पता नहीं अचानक से ब्रेक लग गई, तो वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी। हाँ बट कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा था क्योंकि मैं उसके लिए फिट था फिजिकली भी और मेंटली भी। कि यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं दिव्यांग हूँ मैं ये नहीं कर सकता, तो आप सच में नहीं कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। एक तो आप ऊपर से है दिव्यांग हो, ऊपर से आप ये भी सोच रहे हो मैं दिव्यांग हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो नहीं कुछ कर सकते। जो जैसे हम सोचते हैं जैसा हम अपने आप को उन परिस्थितियों में रखते तो हम आगे वैसे हो जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि यदि आप स्पोर्ट्स में आना चाहते हो, आप दिव्यांग हो, तो ये मत सोचिए कि मैं दिव्यांग हूँ या मैं कुछ ये नहीं कर सकता या फिर ये व्यक्ति ये कर रहा तो मैं ये नहीं कर सकता। तो आप ये देखिए यदि ये व्यक्ति ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो आप भी ये कर सकते हैं। चाहे आप हाई जंप ले लो या फिर रनिंग ले लो, व्हीलचेयर रेसिंग ले लो, शूटिंग ले लो, आर्चरी ले लो, सब इन बराबर चल रहा है, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप भी उस चीज़ में अपने को फील कर सकते हैं क्योंकि आप उन्हीं परिस्थितियों से हम भी निकले हैं, है ना। तो वो चीज़ है जो मतलब खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना तो आप भी कर सकते हैं। पिछले 10 सालों से काफ़ी मतलब सपोर्ट जो है मिलना शुरू हुआ है, तो हम 2036 की बात कर रहे हैं टॉप 5 में, टॉप में फिनिश करने की, तो उसके हिसाब से जो सपोर्ट अभी मिलना शुरू हुआ है वो आगे आने वाले और सालों में मुझे लगता है और बढ़ेगा, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि एकदम से नहीं बूस्टअप तो नहीं कुछ भी चीज़ नहीं हो सकता। यदि हम आज ओलंपिक्स में 6 मेडल जीत रहे हैं, 7 मेडल जीत रहे हैं, पैरालंपिक्स में 29 मेडल जीत रहे हैं, यदि हम अगले ओलंपिक 28 की बात करें तो हम यदि ऐसा नहीं कर सक हो सकते ना कि हम ओलंपिक्स में 20 मेडल जीतेंगे या फिर पैरालंपिक्स में एकदम से झटके से 60 मेडल कर देंगे, डबल कर देंगे, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। तो हमारे पास अभी 4 साल है, 4 साल में हम कितना किस चीज़ में काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शो होती है हमारे उस प्रदर्शन में या फिर खिलाड़ियों के या फिर पूरे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर हम कहाँ फिनिश कर रहे हैं। तो जो अभी स्पोर्ट मिलना शुरू हुआ है पिछले मैंने बताया 10 सालों में, रियो में हमने 4 मेडल जीते थे, टोक्यो में 19 मेडल जीते थे, अभी हमने 29 मेडल जीते, 10 मेडल बढ़ाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम एलए में भी 40 या 45 मेडल तो जीतेंगे ही, क्योंकि ओलंपिक्स में भी और पैरालंपिक्स में काफ़ी एथलीट्स ने फोर्थ फिनिश किया है जी, तो वो आने वाले समय में है कि मेडल में बदलेंगे। ये ओलंपिक्स से आप निकले हो, तो क्या लर्निंग्स रही है आपकी और क्या तब्दीली लाओगे आप अपने प्रोसेस में, ज़्यादा तो थोड़ा बहुत भी, जिससे इवन गोल्ड अगली बार और भी आगे जा सको आप? जी मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं ही गोल्ड जीतूँगा, मैं ये बोलूँगा कि मैं गोल्ड, हाँ मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं गोल्ड जीत सकता हूँ, क्योंकि अहंकार
नहीं कर सकते हम ना, अहंकार बंदे को मार देती है। हम खुद पर विश्वास रख सकते कि मैं जीत सकता हूँ, जब मैं जीतूँगा, मैं ही जीतूँगा, वो नहीं हम कर सकते। हम जो हमारी ट्रेनिंग है, हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस है, हम उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, उसी के ऊपर काम करेंगे और भगवान के आगे हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हमें इंजरी से दूर रखे। और हम वैसे भी अच्छे हाथों में हैं, अच्छी लोग जुड़े हैं मेरे साथ, गवर्नमेंट का सपोर्ट अच्छा है, टीम अच्छी है मेरी, ओजी की टीम अच्छी है, तो कोच अच्छा है, तो 4 साल में एक अपने आप को घिसेंगे और घिस कर 4 साल के बाद सामने आएंगे, तो वो उम्मीद करेंगे खुद से कि अच्छा प्रदर्शन करें देश के लिए, जो हम पोडियम में फिनिश कर रहे हैं, पोडियम में फिनिश करें और कलर चेंज करें।